आज हम आपको एडोनेट इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। एडोनेट इंजेक्शन जो है एक मलेरिया का इंजेक्शन है, जिसमें जो है साल्ट आपका आर्टिसोनेट होता है। आर्टिसोनेट में आपने बहुत से इंजेक्शन देखे होंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है जिसका नाम है एडोनेट। ये इसका ब्रांड नेम है एडोनेट 60 mg, और जो इसमें साल्ट होता है वो होता है आपका आर्टिसोनेट। तो आज हम आपको आर्टिसोनेट के यूज, साइड इफेक्ट और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका बताएंगे कि आपको इसे किस तरह से तो यूज में लेना देखिए, ये चाहिए आर्टिसोनेट इंजेक्शन को, इंजेक्शन तो है। ये अंदर से जो है वीडियो आपको आपको इस इस तरह तरह से से मिलेगा, मिस ना जिसमें करें। कि दो डिस्टिल वाटर आते हैं आपके। पहला जो है आपका वाइल होती है, जिसमें जो है आर्टिसोनेट आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। ये 60 mg का इंजेक्शन है, तो इसमें जो पाउडर फॉर्म है वो सिर्फ 60 mg ही होगी। और ये जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, आर्टिसोनेट इंजेक्शन जो है एक मलेरिया का इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल मलेरिया में सबसे ज्यादा किया जाता है आर्टिसोनेट का। चाहे फिर वो आपका मलेरिया PYVX मलेरिया हो या P-Falciparum मलेरिया हो, दोनों तरीके के मलेरिया में इसका अच्छे तरीके से यूज होता है। तो अभी से हम आपको यूज करने का तरीका बताएंगे कि आपको इसे किस तरह से यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डिजोल्व करना नहीं आता इंजेक्शन। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये आपको ये इसका पाउडर फॉर्म में है ये, और जो दूसरा है आपका, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो है आपका दूसरा वाइल जो है ये, जिसमें जो है आपका सोडियम बायोनेट है, जिसे आप मार्केट में सोडा, मतलब इसे सोडा भी, सोडे के नाम से बहुत मशहूर है ये मार्केट में, लेकिन जिसमें जो साल्ट होता है वो होता है आपका सोडियम बायोनेट। सबसे पहले आपको इसी में ही जो पाउडर फॉर्म में हमारा आर्टिसोनेट है उसे डिजोल्व करना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिजोल्व करना है, जिससे ये आपस में पूरा मिक्स हो जाए ये पाउडर फॉर्म में और सोडियम बायोनेट में। फिर उसके बाद जो आता है आपका दूसरा आता है सोडियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं डिस्टिल वाटर। ये आपको फिर उसे अच्छी तरीके से डिजोल्व करने के बाद आपको इसे इसमें डिजोल्व करना है डिस्टिल वाटर में। जब ये डिजोल्व हो जाए, हो जाने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आपको इसका इस्तेमाल करना है। चाहे फिर आप इसे IM भी इस्तेमाल कर सकते हैं और IV भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इंट्रा मस्कुलर और इंट्रा वेनस दोनों तरीके से ये इस सब इंजेक्शन इसके का साइड यूज इफेक्ट में होता देखा है। गया है। अगर और फिर आपको आप इसे जानकारी ड्रिप अच्छी में भी लगी हो लगा तो सकते चैनल हैं को पेशेंट सब्सक्राइब के कर दें और अकॉर्डिंग, बेल जैसे आइकन को ऑन कर पेशेंट की दें, हालत जिससे हम ज्यादा अपनी डाउन है इस तो आप इसे ड्रिप में डाल के लगा सकते हैं। और इस इंजेक्शन की जो मार्केट वैल्यू है वो आपको मार्केट में मैक्सिमम ये इंजेक्शन 200 रुपये से 300 रुपये तक की रेंज में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा। और इस इंजेक्शन का जो यूज होता है वो सिंगल डोज होती है, मतलब इस इंजेक्शन को एक ही बार में पूरा लगाया जाता है, चाहे फिर वो आप इसे IV लगाएं या IM लगाएं। और आर्टिसोनेट की जो डोज है वो आप इस इंजेक्शन, मतलब 60 mg, आप दो इंजेक्शन दिन में 2 बार लगा सकते हैं, मतलब एक एक इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाते हैं। 120 mg तक आप इसे पर डे डेली दे सकते हैं आर्टिसोनेट को। और इसके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं आर्टिसोनेट के, जैसे कि वेट लॉस होना, हेयर लॉस होना और ब्लर विजन, मतलब धुंधलापन दिखना, ये सब इसके साइड इफेक्ट में देखा गया है।